नमस्कार, मैं वैदेही और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी। भारत देश साधु संतों के देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ किसी साधु की विडंबना इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं है। हाल ही में देश के कई डेरासर से जैन साधुओं को बेदखल किया गया है, बेघर किया गया है। तकरीबन 80 से 85 साधु अब बेघर हो गए हैं। उनका कसूर इतना ही है कि उन्होंने ताकतवर लोगों के खिलाफ अपने न्याय की बात की थी। से जैन साधुओं ने सिर्फ यही मांग की थी कि उन्हें इंसानों की तरह जीने का हक दिया जाए। बस यही उनका कसूर था और उनको देरासर से खदेड़ दिया गया और कुछ विकल्प उनके सामने रख दिए गए। या तो वो साधुत्व छोड़ के अपने घर लौटे, या तो किसी रस्ते पे शरण ले, या रेलवे स्टेशन पे शरण ले, और इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आत्महत्या कर ले। आनंद कल्याण जी ट्रस्ट नामक एक देरासर के खिलाफ बहुत से जैन साधुओं ने कुछ प्रश्न उपस्थित किए। उन्होंने अपने हक की मांग की। तब से बहुत से जैन साधुओं को देरासर से निकाल दिया गया है। उन्होंने ये कहा कि जैन समुदाय ही नहीं तो जैन मंदिर भी कुछ लोगों की बपोती बन के रह गए और उधर ध्यान देने की जरूरत है। यही जरूरत उन्होंने की और वो बेघर हो गए। एक जैन साधु ने मीडिया को बताया कि कई दिन हो गए उनके पास अभी छत या घर नहीं है, उनका कोई संरक्षण नहीं है, उनका कोई देखभाल नहीं करता। वो रस्ते पे रहते हैं, भीख मांगते हैं, किसी छाया में सोते हैं, जहाँ पानी मिलता है पीते हैं, अगर भिक्षा मिली तो खाना खाते हैं, नहीं तो भूखे सोते हैं। देश का जैन समुदाय सबसे संपन्न और समृद्ध समुदाय है। क्या अपने साधुओं को वो घर भी नहीं दे सकता? क्या साधुओं का हक के लिए या धर्म के लिए या उनकी जगह के लिए बात करना गुनाह है? अगर हम साधुओं के हक की बात नहीं कर सकते हैं तो भारतवर्ष को साधुओं का देश कहना भी कितना उचित होगा? भूषण सूरी जी ने बोरीवली में एक मीटिंग लेके सभी समुदाय के लोगों को बुलाकर मीडिया के सामने ये बात रखी है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए क्योंकि वो बहुत दिनों से बेघर हैं। उन्होंने साधुत्व को चुना ही इसलिए था कि वो जैन धर्म को संभाल सके, वो जैन धर्म की सुरक्षा कर सके और जैन धर्मों के मूल्यों को आगे तक ले जा सके। जब ये जैन साधु बोरीवली आ रहे थे तो बहुत से जैन कम्युनिटी के बड़े बड़े लोगों ने, जो धनाढ्य लोग हैं, उन्होंने उनके ग्रंथ पुराणों को फाड़ दिया, उनकी दवाइयां हाथ में से छीन ली, उनका सारा सामान लेके तहस नहस कर दिया। देरासर से बेदखल किए गए ये जैन साधु किसी मैरिज हॉल में, किसी सड़कों पे या किसी ऐसी जगह पे बैठ के अपनी साधना करते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है और उनका समुदाय, उनका समाज उनके खिलाफ है। उनके समाज के धनाढ्य लोग उनको जीने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं। जैन साधुओं ने कई जगह पे अपनी शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि जैन समुदाय ये बहुत बड़ा और बहुत धनाढ्य है और उनके खिलाफ जाके मुट्ठी भर साधुओं के लिए कोई खड़ा होगा या नहीं मुझे नहीं पता। जैन कम्युनिटी द्वारा जैन साधुओं की इस तरह बर्बरता होना ये कुछ अच्छे संकेत नहीं है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं वैदेही, डेमोक्रेसी से।